नमस्कार, जय श्री सोमनाथ, जय श्री आराम। तो हम आ चुके हैं वेरावल रेलवे स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अहमदाबाद से जो है हमने ट्रेन ली और सोमनाथ आए। सोमनाथ डायरेक्ट ट्रेन ही जाती है, वेरावल स्टेशन आना पड़ता है। हेलो। और अब यहाँ से आप बस ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, जैसे हमने अभी ऑटो लिया है और चलते हैं सवारी पर। जय श्री राम। तो जैसा मैंने बताया कि हम ऑटो लेकर के जो है सोमनाथ जा सकते हैं। बस जो है वो आपको सुबह ही मिलती है, सुबह जब 6 बजे ट्रेन आती है तभी बस आती है, बस हर टाइम नहीं मिलती है। ऑटो में आपको ये वैसे तो सोमनाथ तक छोड़ देते हैं, लगभग आप 20 से 30 रुपये किराए समझे पर पर्सन। और यदि आपको सारे स्टेशन घूमना है तो इस टाइप से, जैसे हमारे साथ जो ऑटो वाले हैं इन्होंने प्रोवाइड किए कौन कौन से जगह है और वहाँ पर आपको घुमाएंगे, और लगभग 400 रुपये लगभग ये लोग चार्ज लेते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। बाकी तो फिर हम तो तय करेंगे जाकर के, सोमनाथ मंदिर जा कर के तय करेंगे। तो चलते हैं भगवान सोमनाथ मंदिर की ओर। हम लोग सोमनाथ मंदिर, पीछे आप एक देख पा रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। बस अब हमें तलाश है लॉकर की, लॉकर रूम की। हम लोग जो है सामान वामान रखेंगे हम यहाँ पर, और फिर जो है फिर घूमेंगे। बालिकाओं को 10 रुपये दिए जाएंगे। जय श्री चलो शिव शंकर मंदिर में। कितने का ये आएगा? ये कितने का है? 100 रुपये का। तो दोनों में पैसा भी दोनों एक ही है? अच्छा, एक ही लेमिनेशन करके देगा। देखो पैसे बाद में। हाँ हाँ पैसे। ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने मेरे सामने जो है ये मुख्य मंदिर है, और इसके पीछे समुद्र है। तो खैर अंदर जाना अलाउ नहीं है। और जो अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, मेरे पीछे ही है ये पुराना सोमनाथ मंदिर है। खैर अभी नए में तो जा नहीं सके, पुराना भी चलते हैं। नए ये पुराना शिव मंदिर है। अच्छा, नीचे जाने का। चलो, मंदिर ऊपर है लेकिन जाना हमें अंदर है, चलते हैं। श्री माँ का। तो जो अंदर से जो आ रहे थे वो ऐसे अंदर लाइन जाती है, और नीचे पूजा होती है। नीचे पूजा होने के बाद में आप देख पा रहे हैं, नीचे पूजा होने के बाद में और पूजा होने के बाद में ये ऊपर जो एक
यहाँ आपको एक कहानी दी हुई है, हकीकत वाली कहानी। मतलब अब मैं आपको ले आ रहा हूं समुद्र की ओर। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OD boy. Day we hustle, but the night we. OD boy. Know that they ride or die. I'm a OD boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name. तो मित्रों मैं आ चुका हूँ अब बीच पर, और ये देखें आप लहरें चलती हुई ये आ रही है लहरें। ये देखो ये बच्चा मान ही नहीं रहा है, और बहुत ही शानदार नज़ारा इधर आप देखेंगे। जो मरीन लाइन पर जो पत्थर लगे हुए हैं इस टाइप के एमरी पत्थर हैं, और उधर आप देखेंगे सोमनाथ का मंदिर, तो ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। ओम नमः शिवाय। तो ये पूरा बीच का नज़ारा है जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों समुद्र बीच पर होने के बाद अब हम आए हैं त्रिवेणी महासंगम। ये तीनों नदियों के नाम हैं, हिरण, कपिला और सरस्वती। तो तीनों का संगम यहाँ पर हो रहा है, तो चलते हैं। तो आ तो गए हम नदी पर, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही कि यार थोड़ा पानी कम है शायद, इसलिए गंदगी ज़्यादा है, इसलिए नहाने का प्रोग्राम तो यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। खैर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ही, सॉरी मेरे नहीं है, उस तरफ नदी के पीछे उस साइड में समुद्र है ना, यहाँ से लहरें नज़र नहीं आ रही है। खैर ये है त्रिवेणी संगम, एक नदी इधर से आ रही है सामने, एक नदी इधर से आ रही है। खैर मंदिर के पास में ही वाटिका है, श्री राम मंदिर के पास में। तो ये वाटिका भी अभी यहीं पर बिल्कुल काफ़ी टाइम के लिए मैंने आराम किया, और अच्छा प्राकृतिक नज़ारा है, घने घने पेड़। सोमनाथ में ही एक श्री राम मंदिर को हम लोग चले गए, श्री राम जी का मंदिर है। और क्या मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं गेट जो है, बस इसी गेट से आए हैं, और अब जो है मैं आपको आगे और बताता हूँ, चलते हैं। तो ये मंदिर का सेंटर पॉइंट से एक बार पूरा व्यू देखें आप, चलते हैं इस तरफ से बाहर। तीन गेट है, तीनों गेट में से sky.
दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीर भंजन महादेव मंदिर। और चूँकि यहाँ भी वही कंडीशन है कि फोटोग्राफी जो है वो लावणी है, बिल्कुल वैसे बड़ा गंगेश्वर के पास में जस्ट ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, बाउंड्री के उस साइड में समुद्र है और उधर ही बाण गंगेश्वर जो है महादेव का मंदिर भी है। ये शिवलिंग है और समुद्र है और ये जो है मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर नज़र आ रहा है। यहाँ भी आप ज़रूर आएँ यदि आप सोमनाथ आ रहे हैं तो चलते हैं।